और इस बार बिहार की राजनीति में मछली मुद्दा बन गई है या महामुद्दे के तौर पर सामने आ रही है। ये इसलिए क्योंकि नवरात्र से ठीक एक दिन पहले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ मछली खाने वाले एक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद बवाल यहां पर मच चुका है। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले हेलीकॉप्टर में मछली का आनंद उठाते हुए इस वीडियो को तेजस्वी यादव ने शेयर किया। प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं, और खासकर ये वीडियो खासकर के हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। इस वीडियो में तेजस्वी यादव के साथ विकासशील इंसान तो तेजस्वी यादव सफाई देने आ गए और बोले कि वो बीजेपी का आईक्यू टेस्ट कर रहे थे। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है, जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं, और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं, और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है, आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उनके लोग भी फेल हो चुके हैं। तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी भी थे, इसीलिए उन्होंने भी मछली वाले मुद्दे पर सियासी वार चला दिया। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए, मिर्ची लगे। देखिए ये आप अगर उसमें देखिएगा, वीडियो तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। 8 अप्रैल को ये वीडियो तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था और कहा था कि वीडियो देखकर कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है। अब मिर्ची का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी ने मुद्दे को सनातन से जोड़ दिया और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को घेर लिया। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। सवाल तो यही है कि आखिर ऐसी भी सियासत की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नवरात्र से पहले ऐसे वीडियो के जरिए पब्लिसिटी हासिल की जाए। शायद राजनीति का असली रंग यही है।